हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कैरी का अचार, नींबू का अचार या हरी मिर्च का अचार साल भर के लिए तो बनाते हैं, पर सीजन की ताजा ताजा सब्जियों का अचार खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये अचार हमारी थाली को एक इनोवेटिव लुक तो देता ही है, और हम चाहे जितनी भी टेस्टी सब्जियां बना ले पर कोई मेहमान भी आए ना तो ये अचार उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अभी सीजन चल रहा है करेले का, तो आज हम करेले का एक लाजवाब अचार बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप मुंह मत बिगाड़िए। हम आज करेले का अचार सिर्फ इतना टेस्टी और इतना इस स्टाइल से बनाएंगे तो इसकी कड़वाहट को तो छोड़िए, आप सब जने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए मैं आपको करेले के अचार के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और प्लीज, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस करना है आपको, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। करेले का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, ये मैंने अचार मसाला लिया है, जो हम कैरी के अचार के लिए मसाला बनाते हैं वही मसाला है ये। और दो मैंने दो हरी मिर्च को थोड़े लंबे टुकड़ों में काटकर इसमें हल्दी, नमक और इसको मैंने विनेगर में रात भर सोक करके रखा है। इसी तरह मैंने नींबू के भी स्लाइस कर लिए हैं और इसको मैंने हल्दी और नमक लगाकर रात भर रख दिया है। करेले भी हमने दो करेले लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह छील लिया है और इसका बीच का पार्ट निकाल दिया है, जो कड़क है, सॉफ्ट पार्ट तो रहने दिया है, कड़क वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है और इस तरह से रिंग्स करके इसको मैंने हल्दी और नमक लगाकर रात भर रख दिया है। और हमें लेना है साबुत धनिया, सौंफ, हींग और तेल। अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले दो बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। अब हम अचार बनाने के लिए एक बॉल में थोड़ी सौंफ ले लेते हैं, एक टीस्पून सौंफ है ऑलमोस्ट ये, और हरा धनिया। हरा धनिया को मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश करके और इसमें मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इनहेंस होगा। हरा धनिया मिक्स कर देते हैं और ऑलमोस्ट ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा ज्यादा ही हींग लिया है मैंने, हींग भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा गरम किया हुआ तेल डालेंगे। यह हमारा तेल गरम हो गया है, यह हम इसके ऊपर डालते हैं। आप सरसों का तेल खाना पसंद करते हैं तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद हो। मैंने अभी मूंगफली का तेल लिया है, ये इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी और इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने करेले, दो करेले को मैंने अच्छी तरह छील लिया है और इसको मैंने डीसीट कर लिया है। जो हार्ड पोर्शन था वो निकाल दिया है और जो सॉफ्ट पोर्शन है वो तो ऐसे ही रहने दिया है। और इसको मैंने हल्दी और नमक लगा दिया है इस तरह के छोटे राउंड शेप में। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप कट कर सकते हैं। और रात भर मैंने इसको हल्दी और नमक लगा कर रखा है। इसी तरह मैंने नींबू के भी इस तरह से राउंड पीसेस कर लिए हैं मैंने, और इसको भी मैंने हल्दी और नमक लगाकर रात भर रख दिया है। साथ में हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कट की है और इसे विनेगर में मैंने सोक किया है। 3 चम्मच विनेगर डाल दिया, इसे सोक कर दिया है और इसमें भी हल्दी और नमक लगाकर इसको भी मैंने रात भर के लिए रखा है। अब ये हमारा तेल ठंडा हो गया है, मसाला ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसमें मैं ये करेले के पीसेस मिक्स कर देती हूँ और साथ में नींबू भी मिक्स कर देंगे और ये विनेगर के साथ ही मिर्च मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। विनेगर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, इसमें विनेगर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा अचार मसाला, जो हम कैरी का अचार बनाने के लिए मसाला घर में तैयार करते हैं वही मसाला है। आप चाहे तो बाजार से भी अचार मसाला ला सकते हैं। इसमें हम अचार मसाला मिक्स कर देते हैं, आप ऑलमोस्ट 3 चम्मच बड़े हैं अचार मसाला मिक्स कर रहे हैं। और साथ में मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं। वैसे अचार मसाला में नमक है, हमने सब में नमक डाला ही है, इसलिए संभाल के थोड़ा सा नमक और हम इसमें डालते हैं। नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है और टेस्ट तो बहुत बढ़ाता ही है अचार का। सबको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने अचार अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसे जार में भर देंगे।
फ्रेंड्स यदि सीजन में हमारे पास कैरी अवेलेबल है तो इस करेले के अचार में हम कैरी भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अचार हम कम से कम 15 से 20 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा और इसे हम एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी करेले के अचार की पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए इस रेसिपी को। धन्यवाद।